स्पीक योर हार्ट विद समीना पीरजादा में मेरे आज के मेहमान हैं गौहर मुमताज। कैसा अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, आदत सी हो गई है मुझको। नाइस वन, है ना। आज मैंने उन्हें बुलाया है और मैं बहुत सी बातें करूंगी। मैंने उनके साथ एक प्ले भी किया है और बहुत मज़ा आया था क्योंकि वो बहुत शरारती है। देखते हैं 2 सालों में वो बदले हैं या वैसे ही हैं। आइए मिलते हैं। थैंक यू। कितने 2 साल बाद मिल रहे हैं हम दो लोग? साल के बाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर नो, प्रोग्राम। थैंक यू फॉर कमिंग। आई बीन फॉलोइंग दिस एंड बहुत मजा आएगा इस तुम्हारा प्रोग्राम दिल में आज। तुम्हारा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हें प्रोब करूं, है? तुम्हारी सारी सीक्रेट्स मुझे पता चल जाए। रियली? आप बुलवा भी सकती हैं सारे। आइडिया तो यही है ना। क्या कर रहे हो आजकल? एक्टिंग एंड कॉन्सर्ट्स। वी आर डूइंग कपल ऑफ न्यू वीडियोस एंड अभी 1-2 सालों में कॉन्सर्ट्स काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गए पाकिस्तान में। तो म्यूज़िक साथ साथ चल रहा है और एक्टिंग साथ साथ चल रही है। लेकिन एक्टिंग साल के 1-2 प्रोजेक्ट्स जो स्क्रिप्ट अच्छे हों वो कोशिश करता हूँ कि वो वाले करूँ। सो आप कौन कौन है साथ? म्यूज़िक में, म्यूज़िक में इज़ जस्ट मी नाउ, बट वी हैव आर होल बैंड जिसमें सलमान है, आमिर है जो कोक स्टूडियो में जाते हैं, अली है। लाइव सेटअप तो सारा उसी तरह ही है, बट ऑब्वियसली यू नो आई हैव टू टेक दैट चार्ज नाउ फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, क्योंकि आपको पता है कि बैंड्स का बनना और टूटना ये हमेशा पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है, हमेशा बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आई थॉट अच्छा चलो ठीक है, आई यूज टू सिंग एंड दिल हारे पंछी लाइयां लाइयां तेरे बाजों, बहुत से गाने दिल हारे। तो जब तक वो फैंस आपको वो कहते हैं ना, तंग करते रहते हैं फैंस कि आपका गाना कब आ रहा है आपके कॉन्सर्ट्स, तो आई थिंक जब फैन तंग करते हैं या कुछ अंदर से तंग करता है? अच्छा फैंस भी तंग करते हैं हाँ। और म्यूजिशियन जो है वो हमेशा से उसको कुछ ना कुछ अंदर से तंग करता ही रहता है कि यार अब नया गाना एक और होना चाहिए। तो वो जरूर तो क्या क्या किस चीज ने तंग किया था व्हेन यू रोट दैट सॉन्ग? आदत। हाँ मुझे अच्छा तो बड़ा पसंद था। अच्छा ऑनेस्टली वो किसी एक्चुअली किसने लिखा था वो? लिखा मैंने था, कंपोज किया था। आई हैव रिटन मोर देन 30 सॉन्ग्स। वो लम्हे दिलहारे। तो दिल किसका दुखा हुआ था उस दौरान जिसको जिसने इतने आतिफ ने उसको ऐसे गाया था? सो इट वाज योर हार्ट व्हिच वाज ब्रोकन और हिज? नहीं आई थिंक कुछ उसकी जिंदगी में भी चल रहा था। हाँ। कुछ मेरी जिंदगी में भी चल रहा था, बट ऑनेस्टली डायरेक्टली ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से वो गाना मैंने लिखा था। आई थिंक वो फ्रॉम माई व्हेन आई वाज इन 6th ग्रेड, यू नो आई यूज टू सी दोज ड्रीम्स के एक बैंड बनाना है। 6th 7th ग्रेड से एक चीज़ बैठ गई थी कि यार जुनून जैसा वाइटल साइंस जैसा एक बैंड होना चाहिए। वो कहते हैं ना जब आप ज़िंदगी में कुछ करने की ठान लें, आपको पैशन होता है दिल का रहा, तो वो चीज़ें खुद ब खुद ही होना शुरू हो। किस तरह आया था ये पैशन? उसके बाद हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यू? मेरे एक बड़े भाई हैं जी और 2 बहनें। हाँ। भाई मार्केटियर हैं। सबसे छोटे हो? नहीं मैं बीच थर्ड में थर्ड नंबर पे हूँ। अच्छा। जो मेरी बहन है सर, शी इज अ बैंकर। जो छोटी बहन है शी इज अ सर्जन नाउ और डॉक्टर है वो। तो मैं ही था जिसने अपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद कहा कि मुझे 6 महीने दे दें, आई जस्ट वॉन्ट टू डू म्यूजिक। और जब तो ये एज अ बेबी तुम्हें पता था कि तुमने क्या अपना टूथब्रश लेके गाने गाते थे या अपना हेयर ब्रश लेके? सी आई डोंट नो, आई थिंक जब अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट के बचपन से जब आप इतने बैंड्स को सुनते हैं तो वो दिल करता मतलब था कि बचपन क्या है, 3-2 साल, 3 साल, 4 साल? बचपन बचपन है भरा हुआ, आपको पता ही है। बट ये कब म्यूजिक सुनना कब शुरू? लेकिन वे बैक जब 4th क्लास में था, मैं वही बता रहा था कि जुनून एंड वाइल्ड साइंस इन बैंड्स को सुनता था। और यू नो आई यूज टू गो ऑन वॉक, वॉकमैन लगा के हम सारे जुनून के और वाइल्ड साइंस के गाने सुनते थे और दिल करता था कि ऐसा एक बैंड बने। फिर मैं जब मैट्रिक हुआ उसके बाद FSC के दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आई वॉज बेड रिडन फॉर मोर देन 6 मंथ्स, बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। आई थिंक वो टाइम था वो 6 मंथ्स जब मैंने गिटार पकड़ा और डिफरेंट गाने होते हैं ना जिस तरह
मेरा प्यार तुम्ही हो आमिर जकी का एक गाना था, उनके साथ गिटार बजाना शुरू कर देता था। गिटार खरीदने के लिए मोटर बाइक बेची थी? मोटर बाइक साइकिल, जो बाईसाइकिल थी वो मैंने बेची थी, बाइसिकल। बाइसाइकिल बेची थी और उसके बाद बड़ा छुपके वो गिटार बेड के नीचे रखा होता था। तो जब And how एक्सीडेंट, old were you? I was 16 at that time, 15। Okay. तो जब एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट हुआ था मोटर बाइक पे? मोटर बाइक एक्सीडेंट जब हुआ तो उसके बाद वो कहते हैं ना घर वालों को थोड़ा वो प्यार तरस आना शुरू हो जाता है कि अच्छा अब क्या करेगा, तो चार क्या पांच टांग महीने टांग टूटी तो थी? फिर मैंने टांग टूट गई थी और अच्छा। फिर वो 5-6 महीने लगे रिकवर होते हुए। तो फिर बेड के नीचे से वो जो गिटार छुपाया हुआ था वो निकाल लिया, तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा, वो सीखना शुरू हो गया। जब फिर सो बी हाउ एस कुड यू प्ले, जब आपको एक वो भी मिला था ना पियानो जैसी कोई चीज़, बिल्कुल हाउ ओल्ड वर यू देन? मेरे जो तायाबू थे उनके वो एक पियानो लेकर आए थे, बड़ा छोटा सा था और वो उस पियानो को मैं क्या था वो, वो व्हाट बहुत वर? छोटा सा एक कैसियो का पियानो था, इतना हाँ सा, वो अच्छा। प्रोफेशनल बिल्कुल प्रो भी नहीं था, कि हाँ उसकी कीबोर्ड उसके ऊपर मैं डिफरेंट ट्यून्स निकालता रहता था। सो बट अगर ये गिफ्ट मिला हुआ था तो फिर गिटार क्यों छुपाना पड़ा? अच्छा देखें गिटार उस ज़माने में ना बहुत बड़ी चीज़ थी। हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन, बजाते तो हो गए ना, बिल्कुल बजाता था बट और गाना भी गाते थे, गाना नहीं गाता था फैमिली सिर्फ, को सुनाया था नहीं कभी नहीं नहीं के? कभी कभी भी नहीं सुनाया था। ओ और उसके बाद जब गिटार क्योंकि वो गिटार ऑब्वियसली जब आया तो एक्सीडेंट के जितने 5-6 महीने का टाइम था उस टाइम पे मैं गिटार सीखना शुरू किया। तो पियानो तो वैसे बच्चों को आप देते ना, हाँ ये लो हाँ बेटा हाँ खेलो लेकिन गिटार एक प्रॉपर एक जब इंस्ट्रूमेंट है, खिलौना जो है वो सीरियस। बिल्कुल। तो उसके हाँ बाद जब BSc ख़त्म हुई 2002 में, तो आई स्पोक टू माई माई, आई सेड गिव मी 1 ईयर, मुझे 1 साल दे दें, अगर मैं कुछ कर सका तो ठीक है वरना मैं बाहर पढ़ने चला जाऊंगा सो मास्टर्स। हाउ डिड यू लर्न टू प्ले द गिटार व्हाइल लाइंग डाउन? उस टाइम पे जितने गाने या जो यूट्यूब के तो उतना वो नहीं था, लेकिन जितने CD पे और सेट्स पे जो जो गाने होते थे, ब्रायन एडम्स के गाने या माइकल जैक्सन के जो भी मिल जाता, जुनून के गाने, उनके सो साथ बजाना शुरू कर देता था कि यार ये तो अब हाउ डिड यू फाइंड आउट ये कीज हैं और इस तरह इसको प्ले करना है, ये कैसे होता है? जो कुछ बेसिक कॉर्ड्स थी उसकी बुक्स हाँ मिल जाती थी, अच्छा। तो वो बुक्स के थ्रू बेसिक और वो कॉर्ड मैट्रेस के सीखी। नीचे होती नहीं थी, नहीं वो मैट्रेस के नीचे नहीं तकिए के होती नीचे? वो पढ़ता रहता था साथ, तो वो बेसिक कॉर्ड्स पे फिर गाने वगैरह निकालना शुरू कर दिए थे। तो सो जब कॉन्फिडेंट कौन था फैमिली में से, हु न्यू योर पैशन? माई फादर, सब सबको वैसे तो म्यूज़िक बहुत पसंद था, लेकिन अब्बू को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था, मदर को भी पसंद था, तो कैसे बच्चे थे तुम, बट मैं, शरारती आपको पता ही है आपने मेरे साथ काम किया थे? यू नो सटल फेस बट शरारती पूरी होती हाँ, थी। तो कैसे शरारत करते थे? शरारतें हर किस्म की होती थी, आई मीन किसी को कहते हैं ना, कजन्स में जब भी बैठते थे तो कजन्स कहते थे कि यार इसके साथ बहुत मज़ा आता है, ये कुछ ना कुछ छेड़ा छाड़ी कुछ ना कुछ करता रहता है। मेरा जो मैं 3 साल का था जब मेरा पहला एक्सीडेंट हुआ था, कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है वो सिर्फ ये थी कि बाहर मेरी मदर सब्जियां ले रही थी, तो मैं वहाँ से गाजर उठा के और ऐसे भागा हूँ मैं ना कि यू you नो know, कि मुझे कोई पकड़ ना ले, तो आगे से बाइक आ रहा था और बाइक से फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो ये शरारतें मेरी बचपन से हमेशा ऐसे चलती रहती थी। यूनिवर्सिटी दौर में भी कहते हैं कि आपको ये बात पता होगा कि जो जिनका ताल्लुक म्यूजिशियंस जितने भी हैं ये सारे शरारती बहुत होते हैं, सेंसिटिव भी उतने ही ज़्यादा होते हाँ हैं। यूनिवर्सिटी में भी जब मैं आया तो सबको कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात पे तंग करते रहते थे, लेकिन मैं इतना ज़्यादा शरारती उस हद तक था जिससे किसी का दिल ना दुखे, उससे ज़्यादा शरारती नहीं था, फिर मैं अपने काम से काम रखता था। तो दुख नहीं, किसी का दिल नहीं दुखाया नहीं शरारत से, मेरा मेरा नहीं ख्याल किसी से कि माफी नहीं मांगनी पड़ी? हम स्कूल के दिनों में, हाँ बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है, हमारे जो बाउंड्री वॉल थी स्कूल की उसके बाहर एक हलीम वाला बैठता था, तो कैंपस के अंदर अलाउ नहीं करते थे कि कैंटीन से चीज़ें या तो आप खा सकते थे, बाहर से कोई चीज़ नहीं ला सकते थे, वो दीवार बड़ी ऊंची थी ना, तो हम 2-3 फ्रेंड्स ऊपर चढ़ते थे और हलीम, हमने एक दिन प्लान किया कि यार ये बाहर से हलीम खानी है, बहुत मज़ेदार है, इस जैसी हलीम नहीं है। अब वो कैंपस के अंदर तो ले आए लेकिन समझ नहीं आई कि वो हलीम खाएं कहाँ, तो हमने कहा कि मस्जिद में जाके बैठते हैं, इस टाइम पे मस्जिद में ना तो जोहर की अज़ान का टाइम है, तो मस्जिद में हम बैठ गए। और मैं सोचा कि यार वो कारी साहब पढ़ाते थे, सुपारे की क्लास होती थी, तो हमने सोचा यार हम खा तो रहे हैं, अगर कारी साहब आ गए तो अभी हम क्या करेंगे, तो हमने कहा यार ऐसा करते हैं टोपियाँ पहन लेते हैं,
ठीक है, जैसे ही कारी साहब आएंगे तो कलाबाजी लगा के ना अल्लाह अकबर नमाज पढ़ना शुरू हो जाएंगे। और वही हुआ, 5-10 मिनट के बाद कारी साहब आ गए, उन्होंने एक एक स्टिक उठाई हुई थी और 2-3 लोग तो मेरे दोस्त भाग गए थे, और मैंने जैसे ही उनको देखा, मैं ज़रा दूर था, तो मैंने वो जिसे कहते हैं ना कलाबाजी लगा के फ़ौरन अल्लाह अकबर करके ऐसे खड़ा हो गया ना, तो वो कारी साहब मेरे पास आए और उन्होंने देखा कि ये वाकई नमाज पढ़ रहा है, कौन सी नमाज पढ़ा है, मेरे यहाँ पे ना हलीम भी लगी हुई थी। उसके बाद जो उन्होंने मुझे मारा वो अभी तक नहीं मुझे भूलता। वो एक वाहिद पिटाई है, वो एक वाहिद पिटाई है। अब्बू की पिटाई नहीं, अब्बू की कभी पिटाई नहीं। अब्बू ने कभी ज्यादा नहीं मारा, अम्मी से बहुत मार पिटी है, अम्मी से बहुत मार पिटी है, लेकिन अब्बू ने इतना ज्यादा मुझे। किस बात पे पिटाई होती? अम्मी से तो हर बात पे पिटती थी, ये स्कूल नहीं जाना बहाना कर दिया, कपड़े नहीं सही पहने हुए, आपको पता है ना हमारी मदर्स कैसी वो होती हैं, कहीं जाना है तो बड़ा वो कहेंगी तैयार होके जाना है, और खेल से ज़्यादा क्रिकेट पे ज़्यादा खेलने पे टाइम लगा दिया, तो लेट घर आए तो वो डर लगता रहता कि अभी अम्मी पता नहीं कहाँ होंगी, खड़ी नहीं है, नमाज तो नहीं पढ़ रही हैं, जल्दी से भाग के ऊपर चले जाएँ, तो माँ का डर हमेशा से ज़्यादा था। वो कहते हैं ना कि एक आपके अंदर वो चीज़ रहनी चाहिए, टू अचीव मोर, वो एक कहते हैं ना जुस्तजू, वो हमेशा रहनी चाहिए। जिद्दी थे? मैं बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग हूँ, लेकिन आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जिसपे बड़ा जिद का पक्का भी, जिस तरह म्यूजिक जिसमें से एक था कि बैंड बनाना है ये। So, कैसा घर था, वहाँ क्या होता था, जब खाना लगता था सब इकट्ठे होते थे, जब ईदें दोनों ईदों में से कोई सी भी ईद होती थी तो क्या होता था, ईदी मिलती थी? ईदी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिलती थी, लेकिन पहली बात वो जो कहते हैं बहनों की ईदी तो नहीं ले लेते? नहीं, बहनों की ईदी बिल्कुल नहीं लेता था, शायद मैंने थोड़ी सी ले भी ली हो, मुझे याद नहीं, मेरा ख्याल है खींच लेता होगा, छोटा था ज़रा तो, लेकिन यह है कि वो अगेन घर के एक बड़े वो कहते हैं ना रूल्स होते हैं कि इतने बजे खाना, एक बजे से, तो वो थे बिल्कुल, सुबह नाश्ता इतने बजे, खाना इतने बजे, रात को 8 बजे वाला, तो वो आई थिंक अच्छी आदतें थी जो अभी भी काम आती हैं। और ईदी की जहाँ तक ताल्लुक है, ईदी तो मतलब कि जितनी मिलती थी उतनी कम लगती थी मुझे, मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि उस टाइम पे बच्चों को ये शौक होता है यार मैं खा लूँ, कुछ चिप्स का पैकेट ले लूँ, कुछ पेप्सी कोक उठा लूँ, कुछ मैं इसको कहाँ खर्च करूँ, तो वो ऑब्वियसली वो खर्च जब होने पे आती थी वो एकदम खर्च हो जाती थी, आपको ईद का पता भी नहीं चलता था। बट अगेन मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह कॉलेज में जब हम आए तो मैं एक मज़े की हरकत करता था, बड़ी लिमिटेड पॉकेट मनी मुझे मिलती थी, पर मंथ 99 की बात कर रहा हूँ, 1000 रुपीज़ मिलता था, तो अब्बा जी कहते ये तुम्हारे बेटा, ये तुम्हारे, सबको बांट। अब उसमें मैं करता ये था कि पहले दिन जाके एक पूरी पार्टी सबको अपने जितने ग्रुप में जो होते थे कहते यार मेरी तरफ से आज पार्टी है, सबको बिरयानी है, समोसे, जिसने खाने हैं ना पहले दिन खिला देता था, तो सारा पूरा महीना उनसे खाता था क्योंकि उनको वो पार्टी याद रहती थी। हाँ यार पार्टी थी, मैंने कहा यार खिलाओ ना, वो जब खा रहे होते तो उनको याद नहीं रहता, कहते यार खुद भी कुछ खिला, मैंने कहा याद नहीं वो पार्टी शुरू में मैंने दी थी कितने, मैं कहता हाँ यार चलो ठीक है ये लोग खा रहे, तो फिर वो इस तरह की छेड़ाछाड़ी हरकतें करता रहता था। बट आई थिंक वो ज़माने अच्छे थे जब ज़िंदगी में पैसा कम था, ज़िंदगी में कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपकी जेब में 200-300 रुपीज़ होते थे, आपको कोई टेंशन नहीं होती थी कि घर कैसे जाना है, गाड़ी है नहीं है, वैन पकड़ के घर जाना है, पैदल चलते थे। कैन यू बिलीव कि हम, मेरा ये कैंपस PCBA पिक्स होता था मैकडॉनल्ड्स के पीछे, और मैं और आतिफ हम अक्सर वॉक करते हुए कलमा चौक तक पैदल चले जाते थे, कलमा चौक के पास हमारा एक पहला जैम रूम होता था जहाँ हम जैम करते थे, तो बातें करते करते वो 1-2 घंटों का तो पता ही नहीं चलता था। पैसे थोड़े होते थे, ख्वाब बहुत सारे होते, पैसे थोड़े होते थे, ख्वाब बहुत ज़्यादा होते, तो वो कहते हैं ना कि एक आपके अंदर वो चीज़ रहनी चाहिए, टू अचीव मोर, वो एक कहते हैं ना जस्तजू, वो हमेशा रहनी चाहिए, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। म्यूजिक में वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग, आई मीन नो लेट्स गो बैक व्हेन यू सेड कि मुझे एक साल दे दे, मुझे एक साल, अच्छा उस एक साल में ये हुआ कि आदत का ऑडियो रिलीज़ किया वेबसाइट पे, वीडियो नहीं था सिर्फ ऑडियो था, और वो ऑडियो जो था वो 8-9 मंथ्स में बहुत पॉपुलर हो गया था, तो हमारे मैं भी फैन हो गई थी, रियली एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच, एंड आई थिंक वो एक ऐसा बूस्ट था जो मैं आपको बता नहीं सकता। हम लोगों का कॉलेज का ट्रिप था, इस्लामाबाद गए, तो वो किसी नेट कैफ़े में गाना लगा हुआ था ऊपर, अच्छा पहली दफ़ा अपना गाना सुनना ना, एक वो एक फीलिंग ही और है,
मतलब वो इस्लामाबाद में जब मैंने सुना कि यार बिल्डिंग के ऊपर हमारा गाना चल रहा है, तो मैं तो खुदा का बड़ा शुक्र अदा किया. मैंने कहा ये कौन सुन रहा है गाना आदत. हम नेट कैफ़े में मेरे दोस्तों के साथ ऊपर पहुंचे तो उन्होंने कहा जी कि जितने लोग यहाँ पर आते हैं नेट कैफ़े में चैट रूम्स में बैठते हैं, वो कहते हैं यार आदत रिपीट पे लगा दें और कोई गाना ना लगाएं. और आदत की वजह से हम हमारे जितने भी क्लाइंट जो लोग आते हैं यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स इंटरनेट पर बैठते हैं वो बैठे रहते हैं 3-4 घंटे. आई थिंक उसके बाद से उमर अनवर जिन्होंने आदत का वीडियो डायरेक्ट किया था, इज़ अ बिग डायरेक्टर नाउ, एक दिन उनकी ईमेल आई तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों का वीडियो जो है बनाना चाहता हूँ और उसमें ज़्यादा जो जितने भी उसके एक्सपेंसेस थे वही उठा रहे थे सारे. तो हमने कहा लेट्स डू इट. तो वो पहला गाना था जिस वीडियो आने से पहले वो इंटरनेट पर बहुत वायरल हो गया था, इंटरनेट पर बहुत बड़ा हिट बन चुका था. फिर जब वीडियो आया तो घर वालों को जब सीडी भी सुनाई, अच्छा जब पहली दफ़ा सीडी सुनाई घर पेरेंट्स को तो उस टाइम उनको थोड़ा समझ आया कि बच्चा थोड़ा मतलब सीरियस है म्यूज़िक के बारे में, एंड वी आर थिंकिंग दैट यू नो ही इज़ जस्ट पासिंग टाइम, बट ऐसा नहीं है. उन्होंने कहा वाओ दिस इज़ अ ग्रेट सॉन्ग. और मेरे पेरेंट्स बहुत कम तारीफ़ करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जो भी तारीफ़ है वो सही बात उनको बताएं, बट आदत की बहुत तारीफ़ की. उसके बाद फिर उनको लगा कि फिर वो लम्हे एंड दिलहारे अगले गाने बनते गए. आदत जब आया तो लोगों ने कहा कि यार दीज गाइज़ वन हिट वंडर्स, वन हिट वंडर. उसके बाद फिर लम्हे आ गया, दिलहारे, वी नेवर लुक्ड बैक. कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गए, साथ पढ़ाई भी चल रही थी. मुझे याद है कि 4 मेरे कोर्सेज होते थे और सुबह रात को कॉन्सर्ट होता था. सुबह मैं जब वापस अपने इकोनॉमिक्स की क्लास में आता था तो मैं आंखें खोलने की कोशिश कर रहा होता था और मेरे प्रोफेसर साहब मुझे कह रहे थे आप जाएं आप म्यूज़िक ही करें, आपसे नहीं होगा ये, आगे अब आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो सकती. खैर वो कुछ ना कुछ करते करते MBA कुछ सेमेस्टर्स मैंने कम्प्लीट कर लिए. देन जब इंटरव्यू स्टार्ट हुए इंडस म्यूज़िक पे, ARY पे, और जब उनको लगा कि गाना वाकई बड़ा हिट हो गया, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा पेरेंट्स ने. फिर दे स्टार्ट सपोर्टिंग मी. आई थिंक उन्होंने बहुत सपोर्ट की और बैंड में चेंजेस भी आई. लेकिन एक चैलेंज था, पैशन था कि दोबारा से करेंगे. फिर सेकंड एल्बम आई जिसका नाम बून था, ये आदत के बाद जो दूसरी एल्बम थी, दैट वन बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर लक्स अवार्ड्स पे, बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर सजनी, बेस्ट वीडियो बिलाल ने जो किया था, बिलाल अशारी ने सजनी का. तो वी नेवर लुक बैक. हमें आदत पड़ गई थी कि यार अब इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या करनी है. एंड आई थिंक वो जो लास्ट 10 years थे इट वॉज जस्ट अमेजिंग. वी ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऑल द टाइम, US टूर, इंडिया में बहुत से कॉन्सर्ट्स हुए. फिर महेश भट्ट साहब की फिल्म में आदत आ गया, क्योंकि आदत इंडिया में उस तरह पॉपुलर नहीं था जिस तरह पाकिस्तान में था. तो महेश भट्ट साहब की मूवी में जब आया, जल का वर्जन डाला एंड वो लम्हे एंड आदत वो सारे गाने आए, तो इंडिया में भी जल बहुत बड़ा हो गया और उन्होंने कहा ये वो लम्हे बॉयज़. तो फिर वहाँ के कॉन्सर्ट्स एंड टूर्स हर सिटी में, बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर तो चले अपनी जगह है, बट गोवा, रोड़किला, पंतनगर, मोहाली, पुणे, ऐसी ऐसी सिटीज़ में हमने कॉन्सर्ट्स किए, वहाँ रहते रहे. और तो काफ़ी जल को फिर फेवरेट आर्टिस्ट इंडिया का अवार्ड मिला, बेस्ट साउथ एशियन बैंड का अवार्ड मिला. सो आई थिंक म्यूज़िक में इज जस्ट अ ब्लेसिंग फॉर अस. हम लोगों को जितना शुक्र अदा कर सकें काम है. एंड आई थिंक मैं आपके ये प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूँ, जितने भी आजकल के बैंड भी आ रहे हैं, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. ऑब्वियसली अगर आपने सोच लिया है कि ये चीज़ करनी है तो यू कैन अचीव इट. देयर इज़ नो फोर्स और पावर इन द वर्ल्ड. तो इतने सारे जो फेमस हो गए पूरी दुनिया जा, व्हाट इट डू फॉर यू, तुम कैसे इंसान बने इसमें से निकल के सक्सेस के बाद? इफ यू आस्क मी नाउ, दिमाग खराब हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है कि दिमाग खराब इसलिए नहीं हुआ कि जब म्यूजिक फील्ड में आए थे तो यही सोचा था कि म्यूजिक अच्छा बनाना है. म्यूजिक से मैं खुद बहुत क्लोज हूँ. स्टारडम कर सकती है ना? बिल्कुल कर सकती है. आपका दिमाग उल्टा सकती है? बिल्कुल उल्टा सकती है. आई थिंक यू नो सर्वाइवल, जब किसी भी सिचुएशन में मेरा ब्रेकअप्स के बाद जिस वजह से मैं बचा हूँ वो शायद यही वजह है कि आई हैव टू डू इट अगेन. और वो कनेक्टिविटी म्यूजिक से रही, वो कभी दिमाग ख़राब हुआ ही नहीं. इस स्टारडम के बाद हो भी जाता है. आई मीन यू गोइंग ऑन टूर्स, लिमोजीन्स आर कमिंग, आप क्राउड एंड यू नो एवरीथिंग इज देयर. बट आई थिंक वो जो कनेक्टिविटी थी म्यूजिक से वो हमेशा से रही. अभी भी जब मतलब लेकिन जब इतना कुछ होता है
इतनी चकाचौंध, इतनी शोहरत, तो वो कनेक्टिविटी कैसे रहती, क्योंकि वो वहां से भी आप हट जाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है दैट यू नीड टू, हाउ डिड यू अचीव इट, बिकॉज दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग स्टारडम का, और बिकॉज आपके इर्द गिर्द इतनी फ्लैश लाइट है, आप स्पॉटलाइट में हैं, लोग पागल हो रहे हैं, दस दस हजार का मजमा है और आप उनके लिए गा रहे हैं, द पावर यू हैव ओवर देम, तो फिर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप टू स्टे विद यू नो वेरी क्लोज टू योर सेल्फ एंड द रीजन जिसकी वजह से आप ये स्टार बने। राइट, देयर इज अ सर्टेन हाई दैट व्हेन यू गो ऑन स्टेज, आप जब वापस आते हैं स्टेज से, उसका एक हाई ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि वाओ, आई मीन एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू मी, बट यू नीड टू फिगर आउट दोज फ्रेंड्स इन योर लाइफ जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, दे कीप ऑन गिविंग यू दोज रियलिटी चेक्स, राइट, कि आगे क्या करना चाहिए, कीप यू ग्राउंडेड, कीप यू ग्राउंडेड, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इट्स बीन मोर देन 14 ईयर्स नाउ एंड इन एक्टिंग 6-7 ईयर्स, मैंने बहुत से लोगों को आते और जाते देखा है। मुझे ये लगता है कि जब तक आप अपनी सोल से कनेक्टेड हैं, ग्राउंडेड हैं, जिस तरह आपने कहा, बहुत अच्छी बात की, तो आपको आप नई चीज़ें क्रिएट करते जाएंगे। जब आप नई चीज़ें क्रिएट करेंगे, चाहे वो म्यूज़िक में है, एक्टिंग में है, तो लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि लोगों को भी ये बात फील हो जाती है कि यार आई थिंक अब मज़ा नहीं आ रहा, यू नो आई थिंक ये अपने आपको बहुत चीज़ समझना शुरू हो गए। तो आई थिंक वो जो फ्रेंड्स का सर्कल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक यू नीड टू बी कनेक्टेड विद योर फैमिली एज वेल, राइट, एंड एंड आई लव दैट लाइफ, यू नो। लोगों को शायद लगता है कि गौहर मुमताज यू नो उसका ये लाइफ स्टाइल होगा, ऐसे रहते होंगे, मेरा बड़ा सिंपल लाइफ स्टाइल है, और ये वही लाइफ स्टाइल है जो आज से 15 साल पहले था, व्हेन आई वाज मेकिंग म्यूजिक आदत, जब हम एल्बम बना रहे थे, आई कम बैक होम, आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड आई लिव इन द सेम रूम वेर आई यूज टू लिव, और अभी भी मैं उसी चीज़ों से कनेक्टेड हूँ, पेरेंट्स से, उन फ्रेंड्स से उसी तरह कनेक्टेड हूँ। तो फिर बाकी जो जैसे आतिफ है या फरहान है, इनके साथ क्यों नहीं रहे कनेक्टेड, वो क्यों चले गए? आई थिंक आतिफ का और मेरा, हम लोग बहुत पहले से 17-18, आई वॉज 18 एंड ही वॉज 17, राइट, इट वॉज टू अर्ली, वी आर, हम तो बच्चे थे उस टाइम पर, वो चीज़ें उस टाइम नहीं होनी चाहिए थी, बट आई थिंक फरहान के साथ एंड शाजी के साथ I had a ball. I mean, we were together for more than 10 years. The reason that Farhan left the band was, it was not a fight on anything. He just wanted to do something new. एक time होता है ना जहाँ पे आप जाके कहते हैं कि अच्छा यार अब ये award भी achieve कर लिया, अब ये भी हो गया, वो भी हो गया, what's next? अच्छा तो जब आप अलहदा होते हैं कोई भी किसी भी band और group के लोग, वो यही होते हैं कि वो अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हैं। आई थिंक ही वांटेड टू डिस्कवर, आई थिंक बाकी लोग, एंड आई वाज आल्सो डिस्कवरिंग माय सेल्फ, बिकॉज अगेन मैं आपसे वो बात करूंगा कि म्यूजिक में जब हम इस ट्रायो के साथ, वी आर टुगेदर फॉर मोर देन 10 ईयर्स, एंड मुझे, मैंने ऑब्जर्व किया उसके बारे में दैट यू नो ही वांटेड टू डू समथिंग एल्स, मे बी वो क्रॉस द बॉर्डर जाके शायद और गाने गाना चाहता है, जिस तरह आतिफ ने किए गाने, एंड ही इज बीन वेरी सक्सेसफुल बिकॉज ही केम एट द राइट टाइम, वो टाइम और था। फिर बाद में शायद जो बैंड मेंबर्स थे, शायद वो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, मैच्योर हो गए थे हम, बड़े बड़े हो गए थे। सो डू यू गेट हर्ट व्हेन पीपल गो, डू यू मिस देम? आई डू मिस देम, लेकिन डू यू, बट यू अंडरस्टैंड? या बट आई अंडरस्टैंड, बिकॉज जो मीटिंग जिस बात पे उसने छोड़ा था, उसने ये कहा था दैट आई वॉन्ट टू यू नो जस्ट एक्सप्लोर माई सेल्फ, बिजनेस हो या कोई भी और चीज़ हो, मैं ये करना चाहता हूँ, एंड आई थिंक इट्स फेयर इनफ। आर यू स्टिल फ्रेंड्स? वी आर हम अभी भी मिलते हैं, और क्योंकि जो वो बचपन की जो दोस्ती है ना, वो जो टीनेज की जो दोस्ती, आई थिंक वो दोबारा फिर कोई और ऐसा दोस्त बन नहीं सकता। आई थिंक जब आपने इतना टाइम गुजार लिया हो और आपने इतने टूर्स इकट्ठे कर लिए हो, तो ऑब्वियसली आपको वो सब चीज़ें याद आती हैं, यू नो कि आप किस तरह कॉन्सर्ट्स पे जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें, एक हिस्ट्री शेयर करती हैं। सो मैं उस पॉइंट पे, देखें अगर आप कनेक्टिविटी की बात करें, आई डू मिस देम, मैं सबसे मिलता हूँ, वी प्ले क्रिकेट टुगेदर, वी प्ले एक्स बॉक्स है, फरहान है, आतिफ है, लेकिन हम शायद वो ऐसी कनेक्टिविटी जो है वो हम पब्लिक में नहीं अब दिखाना चाहते, यू नो वी वॉन्ट टू मीट एज फ्रेंड्स, एज नॉर्मल फ्रेंड, जिस तरह आपस में मिलते हैं, गपशप लगाते हैं, जिस तरह हम बैठे हुए बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, तो हर किसी के का अपना अपना एक एम है, कि मैंने अपनी जर्नी है, उसमें मुझे क्या करना है,
उसको क्या करना है, आतिफ को क्या करना है, सब लोगों की एक एक जर्नी है, सब लोगों का अपना एक प्लान होना चाहिए आई थिंक, एंड आई थिंक उस पर मुझे फोकस भी करना है. सो आई थिंक दे ऑल आर डूइंग वेल. हमारी एक बड़ी छोटी सी इंडस्ट्री है जिसमें वाइटल साइन से लेके जितने बैंड्स हैं वो सब टूटते हैं, यू नो, यू नेम इट, ईपी, आरओ, जुनून, क्योंकि ये इस इनएविटेबल कि आप ग्रो करेंगे. एग्जैक्टली वो एक दिन आएगा जिस दिन आप कहेंगे. तो हम 10 साल के बाद वो सब अलहदा हुए, एंड आई थिंक मेरा ख्याल है ये जर्नी रहती है. बट येस, आई डू मिस देम, एंड इट वॉज अ ग्रेटेस्ट टाइम जब हम इकट्ठे थे. बट आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक माई फैंस. मैं आपको उसकी एक रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जब भी बैंड टूटता है तो सबसे पहले ये सोचा जाता है अब क्या करें, कॉन्सर्ट्स होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज दैट्स आवर ब्रेड एंड बटर. जल के साथ जब भी बैंड टूटा बहुत प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आई थिंक जो हमारे फैंस जितने थे, मुझे याद है कि 2011 में जब बैंड का नया लाइनअप बना तो हमें इंडिया से क्यूरीज आई, पाकिस्तान से आई, and said this is the line. I said we are fine with it, I mean we're fine with you, we heard your songs like Dil Hare, Laiya Laiya, and Wo Lame, we bahut se gaane the. And then you know I said okay let's do it again. I mean agar fans, agar aapko concerts chal rahe hain, agar aapke fans ja rahe hain aapko sunna, to phir haar nahi maanni chahiye. There is one thing about me that main haar nahi maanta. To abhi tak we've been performing. We've been to O2 London. It's the biggest venue जहाँ पे concerts होते हैं. बहुत बड़े बड़े artists, Michael Jackson, Madonna तक ने perform किया हुआ है. हमने तो how was the feeling? It was great. मैं आपसे बात एक जो मज़े ये एक blessing है. मैं ये समझता हूँ मुझ पर एक blessing है, क्योंकि जब band टूटता है तो बहुत मुश्किल से उसको दोबारा आप चला सकते हैं. But having said that, we've been to UAE again, Bangladesh, and जो fans थे उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि यार इसके हमने इनको सुनना है. और आई थिंक उनके ही वजह से वो कहते हैं ना कि दोबारा से दिल करता है, यू गो इनटू योर जोन, यू क्रिएट न्यू सॉन्ग्स एंड यू डू इट अगेन, नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर. आई मीन आपको अगर एक चीज़ चलानी है तो अपने नए गानों से और उन चीज़ों से आप चला सकते हैं. तो फैंस को तो मैं हमेशा बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि वो उनकी वजह से हम अभी तक चल रहे हैं. उनको सुनाया गाना तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ये गाना. उन्होंने कहा ये क्या गाना है. अच्छा, पहली मोहब्बत कब हुई? पहली मोहब्बत आदत से पहले हुई, बाद में हुई? अच्छा, आदत तो बेचारा एक गाना था जिसको हम अच्छा चलो वैसे बताओ जिसके नहीं. आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि हमेशा आदत के ऊपर यही सवाल किया जाता है कि क्यों लिखा था. बट क्योंकि आई ऑलवेज वंडर्ड कि ये आतिफ का दिल टूटा है या गौहर का दिल टूटा होगा उसका भी, दोनों के दिल. जिस तरह से उसने गाया था इतने अच्छे तरीके से, आई थिंक कुछ ना कुछ तो कुछ दर्द तो होगा. तो आई थिंक वो दो चीजें मिली और ये तो नहीं था कि एक ही लड़की थी और दोनों को अच्छी लगी. नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था. ऐसा कोई ऐसा दुआ करते हैं कि ऐसा होता, मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम श्योर ऐसा हो ना. लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था. एंड आई थिंक वो एज अ सिंगर वो खुद एक बड़ा, वो कहते हैं ना, वो सोच विचार करने वाला जिसे कहते हैं इंसान है. और वो एक केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी. बट पहली मोहब्बत जो आपका सवाल था वो आई वाज, प्लीज डोंट जज मी, आई यूज्ड टू लाइक अ गर्ल व्हेन आई वाज इन फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड. वो अब मेरे, मैं उनको बता भी चुका हूँ और वो मेरा ख्याल है ये आपका प्रोग्राम दोबारा देखेंगी. तो हमारी मैडम थी, उनकी बेटी थी, तो वो बच्चे नहीं होते जिनको किसी पे क्रश टाइप था. इट वॉज नॉट लव, आई थिंक वो क्रश टाइप था. और वो बड़े होके फिर मैंने उनको बताया कि यार ये इस तरह था. बट बाय द टाइम हम बड़े हो गए और वो फीलिंग वो उस तरह नहीं, लेकिन आशिक मिजाज तो मैं शुरू से ही था. अच्छा, तो कितने इश्क किए, कितने दिल तोड़े? दिल नहीं किसी का तोड़ा, दिल कभी नहीं तोड़ा. अच्छा, किसी ने तुम्हारा तोड़ा दिल? नहीं, किसी ने मेरा भी दिल नहीं तोड़ा. लेकिन दिल टूटना तो बड़ा जरूरी है आर्टिस्ट बनने के लिए. कैसे कैसे बन गए गाने, आप भी सोच रहे होंगे दिल टूटे बगैर गाने कैसे. बहुत जरूरी है. नहीं, दिल उस तरह से नहीं टूटा, लेकिन हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि दिल टूटना जरूर चाहिए. हमारी जगह देखते हैं कि गाने तभी बनते हैं. बट आई थिंक आप चोट लगनी जरूरी है, चोट लगनी जरूरी है. और वो चोट एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. प्यार आपको होता रहता है,
आई थिंक वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें लड़कियाँ इन्वॉल्व हों, उसमें नेचर है, सूफीज़म है, उसमें आपका यू नो यू हैव टू एक्सप्लोर योर ओन सेल्फ एंड वो कहते हैं अपने आप से कनेक्टिविटी अगर आप कर लें तो भी बहुत सी चीज़ें लिखी जाती हैं. देखें जितने भी बाबा बुल्ले शाह और जितने भी वो अपने आप से कनेक्टेड थे तो वो इस तरह की चीज़ें लिख सकते थे. कभी रिजेक्ट हुए किस तरह से? किसी इंसान ने रिजेक्ट किया या काम रिजेक्ट हुआ, वो एक लगता है ना लाइक यू नो. अब जब लेटे हो, गिटार खुद सीखा है, म्यूज़िक करना है और वो पैशन है, बट किसी ने कह दिया ये क्या है. अच्छा मैंने या किसी लड़की ने कह दिया ये तुम कौन हो. मुझे बिल्कुल ऐसे होता था, you know? नहीं बिल्कुल ऐसे होता था. मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताता हूँ, हम जब पहला गाना लिखा था आदत, तो हमारे ग्रुप में कुछ लड़कियाँ भी थीं और उनको सुनाया गाना तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ये गाना. उन्होंने कहा ये क्या गाना है, दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे में, डजंट मेक एनी सेंस. बड़ी सिंपल वर्डिंग, अगर आप आदत की या लम्हे की, मेरी बड़ी सिंपल वर्डिंग्स होती हैं. तो वो लगी थी बात, वो बिल्कुल लगी थी कि हैं तो मेरे दोस्त, गलत बात तो नहीं कह रहे. तो मैंने उनको कहा यार यही बनता है मुझसे, मैं यही हूँ, मुझसे इसी तरह के गाने लिखे जाते हैं और मुझे नहीं पता गाने कैसे लिखते हैं. बट कहते नहीं, बस सही है गाना, एवरेज गाना है आदत. और उसके बाद डाउट किया था अपने आप को या कहा था कि नहीं? देखें एक सेल्फ, वो कहते हैं ना अपने आप को चेक तो करता रहता है. हाँ. ना एक रियलिटी चेक आप अपने आप से भी करते रहते हैं. हाँ. वो मैं अभी तक करता हूँ कि क्या मुझे ये चीज़ और इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या यू नो एक्टिंग के ये प्रोजेक्ट्स और करने चाहिए, एक्टिंग कैसे कर रहा हूँ, म्यूज़िक कैसे, वो सब वो तो चलता रहता है. बट वो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप दिल पर ले लेते हैं. अच्छा उस टाइम वो लगता है कि ये दिल पर ले लिया अब तो कुछ भी नहीं होगा, अब तो आगे म्यूज़िक भी क्या करूँ. हाँ ये मैंने तो ये बनाया, अच्छा अच्छा गाना नहीं है ये. बट वो ऐसा प्रोसेस है नेचर का कि वो जो दिल पे चीज़ लगती है वही आपको आगे चलाती है. वो उस टाइम पे तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन जब आप उस अगेन आपने जब आप उस पेन से नहीं गुजरेंगे, रिजेक्शन की पेन से, आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते. आप स्पेशली इन आर्ट्स, आर्ट्स में तो इट्स अ होल स्पेक्ट्रम एक है जिसमें बहुत से फ्लेवर्स हैं, उसमें शायरी है, उसमें म्यूज़िक है. तो वो जब तक आपको देखें, अगर कोई कहता है यार आप ज़बरदस्त, एक दिन आपको एक कमाल गाने आपके, हाँ. जबर एल्बम भी बड़े अच्छे हैं, तो आप तो बैठ जाएंगे ना, आप कहेंगे व्हाट्स नेक्स्ट देन, आगे क्या करना है. तो वो कॉलेज के दौर में ऑब्वियसली कुछ लड़कियों ने गाने सुने और उन्होंने कहा ये बिल्कुल अच्छा गाना नहीं है, और यू नो जस्ट अ नॉर्मल सॉन्ग. तो फिर जब वो हिट हुआ, जब चीज़ें तो समझ में ही आई कि अपने दिल की बात सुननी चाहिए. आपकी जो इंस्टिंक्ट है, हाँ. वो हमेशा आपको सही बात बताती है, उससे कनेक्टेड रहना चाहिए. सो उसको फॉलो किया है कि मैंने उसको फॉलो किया है. आई थिंक दैट डिफाइंस यू कि तुम दैट डिफाइंस मी. आई थिंक दैट इंट्यूशन, जो इंस्टिंक्ट है, आई फॉलो इट एंड आई जस्ट गो इनटू माय जोन एंड आई मेक श्योर दैट आई लिसन टू माय सेल्फ एंड आई मेक श्योर दैट यू नो जो दिल कह रहा है उसको एक दफ़ा सुनने की कोशिश ज़रूर की जाए. गलतियाँ हो, मुश्किल है जब इतना नॉइज हो इर्द गिर्द, इतनी सारी वॉइसेस हो कि ये नहीं ये नहीं ये होना वो होना. हाउ डू यू डिसाइड कि ये पोएट्री है, ये लिरिक्स, अब ये इसकी ट्यून है और यही है. ये किस तरह डिसाइड होता है? आई थिंक जब आपको पता होगा आपका बहुत अरसा म्यूजिक से और आपने इतने इवेंट्स कराए और इतने इतने बड़े सिंगर्स और लोगों को परफॉर्मेंस कराई, और पुराने दौर में फिल्म का जब म्यूज़िक होता था तो पहले लिरिक्स लिखे जाते थे, उसके बाद धुन बनती थी. तो हमारे केस में जब मैं गाना जिस तरह बनाता था तो गिटार पे एक मेलोडी बनती थी कि ना 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 मन से जब भी हो तेरा मन खा. तो वो उस मेलोडी के ऊपर वो लिरिक्स आते जाते थे, तो वो पांच पांच लाइनें इकट्ठी करके छः छः लाइनें बना लेता था. आई शुड हैव वर्क विद अदर लिरिसिस्ट्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट इट वाज जस्ट यू नो इट वाज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस टू जस्ट गो थ्रू अ सॉन्ग. उसमें लिरिक्स साथ साथ आते जाते थे और मैं वो रिकॉर्डिंग पे जाके ये कहता था यार यही बनाए. प्रोड्यूसर कहते थे ठीक है यार, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, दिलारे अच्छा गाना है, बोला हमें ऐसे ठीक है फाइन, इट्स गोइंग विद योर ट्यून. तो फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया, आदत से कॉन्फिडेंस आया, लम्हे आदत में बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला, बेस्ट कंपोजर का अवार्ड मिला. फिर वो एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है कि अच्छा यार आई थिंक लोगों को, फैंस को आपसे यही चाहिए. अभी होता है डाउट? नहीं, अभी पीछे मुड़ के देखते इतना काम करने के बाद अब होता है डाउट? बिल्कुल होता है. आर यू स्केयर्ड? आई डू गेट स्केयर्ड एट टाइम्स अभी तक. और एक बहुत मज़े की बात बताऊँ, अभी भी जब स्टेज पे कॉन्सर्ट करने जाता हूँ
अभी तक वो कहते हैं कि वो शायनेस मेरे अंदर अभी भी है, वो पहले दिन से थी, जब यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस, पहली परफॉर्मेंस थी, नजम शिराज का एक गाना था आजाना, वो गाया था, आज भी आफ्टर 16 इयर्स व्हेन आई गो ऑन स्टेज, बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, वो एक शायनेस मेरे अंदर होती है कि ओके इतना ज़्यादा क्राउड है, अच्छा आई होप एवरीथिंग इज कूल, आई जस्ट प्रे, मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आज की परफॉर्मेंस भी उसी तरह से लाज रख लें प्लीज़, एक दुआ सी करता हूँ अपने अंदर, एंड देन आई गो ऑन स्टेज, बट व्हेन आई गो ऑन स्टेज आई थिंक एक मुझे नहीं पता वो एक पर्सोना और वो एक एनर्जी कहाँ से आ जाती है, वो एक ऐसी एनर्जी है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता, बट वो गौहर स्टेज पे बड़ा डिफरेंट होता है, इफ़ आई सी माई सेल्फ इन दोज वीडियोज ऑफ कॉन्सर्ट्स, तो मैं कहता हूं ये ऑडियंस की एनर्जी है, ऑडियंस की एनर्जी जो आपको मोटिवेट करती है, और जी कनेक्टिविटी है उनके चेहरों पे, यू नो जो खुशी है जब वो गाने साथ गा रहे होते हैं तो वो उससे वो एनर्जी मिलती है, तो मैं कहता हूँ अपने आप को देख के कहता है ये मैं था, अच्छा सो वो शाय बच्चा अभी भी है। सो बेगम कहाँ मिली एंड व्हाट मेड यू डिसाइड कि दिस इज इट, बेगम, नो लुकिंग अराउंड, यही है बेगम, आई मेट अनम, एक देयर इज दिस वेडिंग हमारे फैमिली में, उस पे आई मेट अनम और फैमिली फ्रेंड्स थे, और उसके बाद यू नो हमारी मुलाकातें हुई, और उसके बाद आई हैव डिसाइडेड कि आई थिंक शी इज द वन, एंड आई थिंक ऐसी क्या बात थी आई थिंक जिसने अट्रैक्ट किया, मैं सबसे पहली चीज वो मेरी फैन नहीं है, उस टाइम भी नहीं थी, वो अबू धाबी में रहती थी, शी यूज्ड टू लिव देयर, तो वो बाय द टाइम शी केम बैक टू इस्लामाबाद तो उसको इतना ज़्यादा नहीं पता था, मैं हमेशा ये कहते हैं ना एक दिली ख्वाहिश थी कि जिससे मेरी शादी हो फैन ना हो, होते हैं ना वैसे आप एडमायरर्स हैं, वो तो बोल तो ठीक है, उसको कुछ पता नहीं था, एंड शी इज़ वेरी सिंपल, दिल की बहुत साफ थी, और जैसी उसकी सीरत है, जैसी सूरत है वैसी उसकी सीरत भी है, आई थिंक बहुत सिंपल है, मेरी तरह थोड़ी शाय भी है, आई थिंक ज़्यादा बोलने वाली नहीं थी, तो देर वॉज अ सर्टन चार्म, देर इज समथिंग अबाउट हर एंड दैट क्लिक्ड माई हार्ट। तो ज़्यादा परसू करना काफ़ी दिन लगे थे, साल दो साल या नहीं? नहीं साल दो साल नहीं, तीन चार पाँच महीने में यू प्रपोज्ड? I proposed and I said I spoke to my parents and said ठीक है बात करते हैं, एंड सब चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से वर्कआउट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग, आई थिंक शी इज़ उसका उसकी प्रेजेंस इज़ ऑल्सो एक्चुअली ब्रॉट लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन माई लाइफ, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट मैरिड एट द राइट टाइम। तो कितना अर्सा हो गया? चार साल। Oh, you've been married for 4 years. Yeah, she's also working. She's doing dramas. No, that's a surprise. that's such a surprise. I know. You met her, right? Haan, after Aadat Kashmir, yeah, yeah. Bhi, and mere quiet. Saath, Neelam Kinare shy Kashmir girl. Pe. I know. So, you observe know, karke sunti rehti thi baith ke. And very quiet. Very quiet. So, yeah. Wow. But basically, jo log shy hote hain, wo bahut achhe actors hote hain. I know. Dekhe, main aapko to, aapka to itna tajarba hai. Aap to pura ek... स्कूल है एक्टिंग का। मैं एग्री करता हूँ, जो लोग दूसरों की एक्टिंग को ऑब्जर्व करते हैं या समझते हैं, चुप करके देखते हैं, वो ही अच्छे एक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनके लिए आसान होता है ना, उनके लिए आसान किसी और के शूज में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, आई थिंक जिस तरह वो फिर अपने आप से निकल कर फौरन ही कुछ और बनने में आसानी हो जाती है, बिकॉज देन यू आर नॉट इन स्पॉटलाइट, वो जो कैरेक्टर है जी वो है ना स्पॉटलाइट। बिल्कुल, शायद पीपल, आई रिमेम्बर जब आप नीलम किनारे में आप जब थी तो वो आप एक कैरेक्टर में रहती थी, मैंने आपसे भी वो सीखा कि कैरेक्टर में कैमरा अगर ऑफ भी है तो आपने अपने कैरेक्टर में कैसे रहना है, आपको वैसे ही अपने यू नो अगर आपका कैरेक्टर थोड़ा सा हंसने खेलने वाला है तो आपको उसी तरह सबसे गप्पे लगाते रहना है,
तो वो मैंने चीज सीखी कि हाँ नहीं, यू हैव टू बी यू नो रियली एक्टिव ऑन सेट, आपको कैरेक्टर में उसी तरह. यू डू रिमेंबर वो कश्मीरी गाना जो गाया था? दैट वाज सो स्वीट. कल सजना या तो वो वही वही पे वो उन्होंने सुनाया था. एंड वी स्टार्ट सिंगिंग, वी हैड अ ग्रेट टाइम इन आजाद कश्मीर. कोई फोन सिग्नल नहीं थे, बंद था फोन, बंद थे व्हाट्सएप, टोटली कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड एंड वी हैड आवर ओन वर्ल्ड. डिसकनेक्टेड, डिसकनेक्टेड बट हमारे हैंग आउट टुगेदर, पकौड़े बना के किसी को खिला रहा है, कोई उधर से जलेबी आ रही है. यस, वर द बेस्ट. खाना बहुत बुरा बनता था. खाना तो मुझे तो वो उन चिकन का नंबर मिल जाए जो चिकन वहाँ पकता रहता था, किससे लाते थे, बट इतना चिकन खाया हमने वहाँ पे. बट कश्मीरी खाना जिस दिन पर पका था वो बहुत मजे, कश्मीरी खाना मजे है ना, वो दिन बहुत मजा आया था. आई नो. सो फिर क्या, फिर प्रपोज किया? और छोटी सी शादी हुई या बड़ी सी? शादी जिस तरह शादी होती है, आई मीन आजकल शादी में मेहंदी का फंक्शन सबसे बड़ा फंक्शन होता है. वलीमा और बारात तो कहते ना, एक रस्म टाइप वो होती है. बस असल जो है वो असल तो मेहंदी थी. एंड सो व्हाट कीप्स यू टुगेदर बोथ ऑफ यू एंड कनेक्टेड? आवर फ्रेंडशिप, दोस्ती. दोस्ती बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आपके दोस्ती नहीं है तो यू माइट गेट बोर्ड देन, कि यार अच्छा क्या डिस्कस करें. जब आपकी दोस्ती अच्छी है और फिर हमारे यू नो फील्ड में हम कुछ कॉमन टॉपिक्स भी हैं, उस पर बड़ी बात होती है. एक्टिंग पे बात होती है, म्यूज़िक पे बात होती है. और अभी भी जब गाना बनाता हूँ तो उसको आके वो सुन रही होती है स्टूडियो में, जब बैठा हूँ अपने, तो वो आके बताती है कि ये ट्यून बहुत अच्छी है, यू नो इस ये गाना बहुत अच्छा है. सो आई थिंक वो सपोर्ट सिस्टम एक जो आपको फ्रेंड से मिलता है, वो से हम दोनों कोशिश करते हैं एक दूसरे को से कनेक्टेड रहें, और उसके लिए दोस्ती का होना बहुत ज़रूरी है. सो इस कनेक्टेडनेस से दोस्ती का कोई ऑफस्प्रिंग है? डू यू हैव अ बेबी येट? Are you planning? We're planning to have one. Okay. Inshallah. मैं बहुत believe करती हूँ उस चीज़ में. And I think that you should take your time to have a baby. Yeah. And I think वो time भी बहुत ज़रूरी है. हाँ. ताकि आपका दोनों का bond बन जाए, मियाँ बीवी का. बिल्कुल. और फिर आप एक दूसरे को discover करें, फिर baby आए. Then you will enjoy the baby more. Exactly. हाँ. जब आप connected नहीं हैं और you know आप सब चीज़ें जल्दी हों तो फिर I think वो भी सही. I think No, good. I'm glad. There is no pressure. It's very wise. Yeah, and I think वो time लेना ज़रूरी है. तो inshallah. Yeah, of course. Well, we took 12 years to have our first really? child. अच्छा. Yeah, but चलो 5-6 साल is good. तो no wonder इतनी अच्छी दोस्ती है उस्मान साहब की और आपकी. हाँ, अभी we were, मैं और उस्मान इस तरह थे जैसे boys होते हैं ना. We were just that kind of friends. वो दोस्ती बहुत. I went to all the stag parties. अच्छा. तो जब मैंने गॉट प्रेग्नेंट, मुझे सिर्फ इस चीज़ की फिक्र थी कि हाय अब मुझे कोई स्टैग पार्टी में नहीं बुलाएगा. है ना, नोबडी विल इनवाइट मी टू द बॉयज नाइट आउट. नहीं, वो बहुत जरूरी है. लास्ट टाइम ये बता रही थी, यू गाइस वर प्लानिंग टू गो टू टर्की. हम गए, बड़ा मजा आया उस ईयर. वी हम हर साल घूमते हैं. अच्छा, बहुत मजा आता है. वो ब्रेक बहुत जरूरी है. वो सबसे डिस्कनेक्ट, अपनी फील्ड से, प्रोफेशन से हटके कहीं बाहर जाए. नाकामी ये है कि आप जिस वजह से आप कामयाब हैं उसको भूल जाएं, वो नाकामी. What makes you happy? Very happy. When I make someone happy, I think जब किसी को खुश, किसी का दिल खुश करना हो, या किसी से कोई मेरी वजह से खुश हो, चाहे वो एक कोई आम बच्चा है या कोई आदमी है जो कोई तकलीफ़ में है, जिसको मैं खुशी दे सकूं, उससे मुझे खुशी मिलती है. आई थिंक वो एक पॉजिटिव एनर्जी है. अगर मैं एक दिन घर में बैठा रहूं और सिर्फ म्यूज़िक बनाता रहूं, आई थिंक वो शायद मुझे वो अपनी वो जगह एक अपनी जगह खुशी है. बट आई थिंक लोगों से जो खुशी मिलती है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड किसी को भी आप खुशी पहुँचा के जो खुशी मिलती है, उससे बेहतरीन कोई खुशी नहीं है. दुखी किस बात से होते हैं? मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, लेकिन शो नहीं करा था दुख. इतनी जल्दी मैं दुखी होता नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह कुछ चीज़ें तंग करती हैं. मतलब आप व्हेन यू आर गोइंग इन अ कार एंड यू आर यू नो हैविंग टाइम ऑफ योर लाइफ, आप हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं. लेकिन जब आप किसी बच्चे को देखते हैं, या कोई ऐसा बच्चा जो पढ़ नहीं पा रहा है, जो जिसको उसके पेरेंट्स ने बाहर भेजा है और वो पैसे मांग रहा है, तो ऐसी चीज़ों को देख के
बहुत तो किस चीज़ पे गुस्सा आता है, बच्चे पे, बच्चे के माँ बाप पे, या ओवरऑल सिस्टम पे, सोसाइटी पे आता है? देखें सोसाइटी पे ही आएगा, उस बच्चे को तो कुछ नहीं पता, बच्चे के माँ बाप ने कहा जाओ तुम ये बाहर चीज़ करके आओ. आई थिंक सोसाइटी एंड सिस्टम पे गुस्सा आता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. आई थिंक एक ऐसा गवर्नमेंट का सपोर्टिंग, यू नो, चिल्ड्रन सपोर्टिंग सिस्टम या ऐसा स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को, जिनके पास चार्टर में हमारे है कि हमने मैट्रिक तक तालीम मुफ्त देनी है, बाय द वे. अच्छा जी, तो ये कंपल्सरी तालीम मैट्रिक तक मुफ्त देनी है बच्चों को. एवरी चाइल्ड मस्ट गो टू स्कूल एंड वी डोंट डू इट. ना पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं, वी शुड स्टार्ट डूइंग इट बाय नाउ. ना पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं और ना ही गवर्नमेंट इंसिस्ट करती है. मैं कहती हूँ जो जो माँ बाप बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उनके ऊपर उनको सज़ा मिलनी चाहिए. बिल्कुल मिलनी चाहिए. लेकिन उसमें एक और भी बात है कि वो पेरेंट्स जो हैं वो शायद भेजना ही नहीं चाहते अपने बच्चे को स्कूल. दे वॉन्ट यू नो देयर चाइल्ड टू गो ऑन स्ट्रीट्स एंड अर्न फॉर देम. नहीं, लेकिन जब आपका आप जब लैंड टिल करते थे तो आपको बाजू चाहिए थे. बिल्कुल ठीक है. तो लेकिन अब तो आप शहर में हैं, छोटे छोटे, अब तो आप बिल्कुल ऐसे कर सकते. अब आपको आपको अब आपको भेजना है बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अब बच्चों को का दिमाग डेवलप होना, उनको पढ़ाई करना जरूरी है. बिल्कुल. कोई सड़क का साइन भी तो पढ़ने के लिए पढ़ाई चाहिए ना. बहुत कोई कोई चीज़ अगर आप कोई चीज़ खोल कर कहीं इस्तेमाल करनी है, चाहे वो डेटॉल है या कुछ भी है, दवाई है, वो भी तो पढ़नी है ना. आप जहर पी लेंगे और खा लेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही. तो आप तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप सिर्फ सब्जियों पर और जो आपके इर्द गिर्द है वो उस पर गुजारा नहीं है. अब तो आपको जिंदगी को हर तरह से जीना है, जिसमें साइंस है, आपने कार भी चलानी है या आपने मोटरसाइकिल चलानी है, साइकिल चला, जो भी आपने कुछ भी, कोई भी बस पे जाना है, आपने बस चढ़नी है, बस पे कहाँ उतरना है, जी. ये सारे साइंस हैं. बिल्कुल. नमक और मिर्च को समझना है कि इस पे क्या लिखा है. ट्रू. तो हर चीज अब तो डब्बों में मिलती है, पैकेट्स में. नहीं, आई थिंक ये चीजें बेहतर होनी चाहिए. अगेन वो जो आप कहती है ना, दुख किस बात, इसी चीज पे होता है कि हम अब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं एज अ नेशन. एंड आई थिंक जब आप सब चीजें कर लेते हैं, यू वुड वांट टू डू समथिंग फॉर योर नेशन एज वेल. एंड आई थिंक एजुकेशन में अभी बहुत कुछ होना बाकी है. अगर 10 years में कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि अगर हमने अपने मुल्क को बनाना है exactly. और चाहते हैं कि मुझे हमेशा से लगता है एजुकेशन जो है लॉ, ये दो चीज़ें हैं जो किसी मुल्क को बेहतर बना सकती हैं. वो हाउ विल यू अपना ये जो फेम है, ये जो शोहरत है, इसको कैसे इस्तेमाल करोगे कि वापस रिटर्न करो कुछ लोगों? मैं वैसे अभी कोशिश करता हूँ. यहाँ पे लाहौर में मॉडल टाउन में एक झुग्गी स्कूल है, मैं अक्सर वहाँ अपना गिटार उठाता हूँ, चला जाता हूँ, और मेरी वाइफ भी चली जाती हैं. वो डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं वहाँ, उनके साथ बैठ के हम कोशिश करते हैं कि उनको गाने सुनाएं, यू नो. उनमें किसी के माँ बाप भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है वो कहाँ पर हैं, कुछ पता नहीं है. तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसे एक आपको यू नो आप दिल से भी बहुत सेटिस्फाई फील करते हैं. मैं जाके यू नो डोनेशन वगैरह तो अपनी जगह, बट आई प्ले फॉर देम, I go and perform for them. वो एक बड़ी पर्सनल चीज़ है जिसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं महीने में एक दफ़ा या 2-3 दफ़ा कोशिश करूँ कि और भी ऐसी जगहों पर जा सकूँ. तो मेरी कोशिश यही है कि इनके लिए कुछ कर सकें. एंड आई एम अप फॉर एनी थिंग और एनी आइडिया दैट यू नो आई कैन जस्ट गो एंड हेल्प देम इन एनी वे, चाहे वो एजुकेशन हो. जाके मेरा तो अब ये भी दिल करता है कि बच्चों को जाके आप इंस्पायर करें, आप उनको बताएं कि आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, और उनको म्यूजिक सिखाएं, उनको म्यूजिक सिखाएं, यू नो. ये जो जो आपके दिल में है वो तो म्यूजिक है ना. बिल्कुल. उनको म्यूजिक सिखाएं और वो यू नो इस चीज़ बाकी खराफात से दूर रहे. यू नो म्यूजिक की एक ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आप यू स्टे कनेक्टेड, आप इधर उधर के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं सोचते. सो आई जस्ट विश कि मैं ये चीज़ें कर पाऊँ. शोहरत क्या चीज़ है? शोहरत मेरे लिए एक बड़ी सिंपल सी एक चीज़ है जिससे जिसको मैं ऐसे लेता हूँ कि एक चीज़ अगर मैं बनाता हूँ, मैं एक फील्ड में हूँ, मैं एक चीज़ बनाता हूँ, वो लोगों को कैसे पसंद आती है. अगर पसंद आती है तो मुझसे कुछ लोग खुश हैं और वो मुझे सुनना चाहते हैं, और उनकी पॉजिटिव एनर्जी मुझे पॉजिटिव रखती है. तो मशहूर होना कितना ज़रूरी है? मैं अच्छा जब इस फील्ड में मैं आया था, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं यू नो फेम मिल जाए और कॉलेज की लड़कियां एंड यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां पागल हो जाएं. मेरा कभी भी ये नहीं था.
कॉलेज में भी मेरा फोकस सिर्फ म्यूजिक होता था. आई थिंक वो इट्स जस्ट अ पैकेज. व्हेन यू क्रिएट समथिंग न्यू, आपके गाने हिट हो जाएं, तो एवरीथिंग कम्स इन दैट पैकेज. शोहरत मेरे लिए सिर्फ एक इतनी सी चीज़ है कि इट्स माई जॉब एंड आई हैव टू गो ऑन स्टेज एंड आई हैव टू गिव पॉजिटिव एनर्जी टू ऑल माई फैंस एंड इन रिटर्न दे गिव मी ऑल दैट पॉजिटिव. सो मशहूर होना कामयाबी है? मशहूर अगर आप इस फील्ड में कहें तो मशहूर होना कामयाबी इसलिए भी है कि वो आपको पसंद करते हैं. अगर आपको सुनना ही नहीं चाहते. सो व्हाट इज कामयाबी तुम्हारे लिए? मेरे लिए कामयाबी, देखें, अवार्ड्स वगैरह अपनी जगह हैं. हाँ. आपको पता है ये तो चलते ही रहते हैं, हर साल अवार्ड फंक्शन चलते हैं. सही जो रिवॉर्ड है वो आपके फैंस हैं, वो उनका प्यार है और जिस तरह से वो आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके नए गानों को, एक एक वो कहते हैं ना दो तीन लाइनें चार निकाल के अलग अलग, इस चीज़ का क्या मत, ये आपने क्यों लिखी, इसका क्या, वो उसका पीछे चले जाते हैं कि इसकी वजह क्या थी. आई थिंक वो जो डिटेल और वो जो उनके मैसेजेस और वो प्यार, आई थिंक वो एक रिवॉर्ड है, वो रहना चाहिए. आई थिंक शोहरत, देखें मैं आपको बताऊँ, शोहरत एक किसी, आप किसी क्रिकेटर को उठा लें, किसी बाहर के सिंगर म्यूजिशियन को उठा लें, किसी एक्टर को उठा लें, ये शोहरत का ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा. तो शोहरत को आप सिर्फ, अगर आप चाहते हैं कि शोहरत ही आपका एम है तो ये तो आप नहीं कर सकते. आज के बाद हम लोग चले जाएंगे, 5 साल के बाद, 8-10 साल के बाद म्यूज़िक से नए लोग आ जाएंगे, नए एक्टर्स आ जाएंगे, नए सिंगर्स आ जाएंगे. अगर शोहरत को ही आप दिमाग में रखेंगे कि यार मैं इतना पॉपुलर अब नहीं हूँ जितना मैं होता था, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. जो जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, जितने मैंने आर्टिस्ट को देखा है, जितने मैंने एक्ट्रेस को देखा है, आई थिंक आपको काम, जब आप काम से कनेक्टेड हैं, जिस तरह अभी भी हम, पता नहीं 25 गाने मेरे पास पड़े होंगे, वो मैंने इसलिए नहीं बनाए कि यार मैंने महीने में 4 गाने निकालने हैं और मैं तो नहीं छोड़ूंगा किसी को, मेरे गाने आएंगे और बस और कोई मुझे सुनेंगे. आई थिंक वो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, उसको वैसे ही रहना चाहिए. जब आप ये सोच लें कि यार शोहरत ही सब चीज़ें हैं, तो फिर आपके डिसीजंस भी ठीक नहीं होते, आप म्यूज़िक भी अच्छा नहीं बनाएंगे, आपको यही होगा कि मैं TV पे नज़र आता रहूं, आपको सिर्फ ये होगा कि मैं पब्लिक आई में रहूं, मैं आज एक ऐसी सोशल मीडिया पे बात कर दूं जिससे आग लग जाए. आपको पता है ना आजकल सोशल मीडिया का एक बड़ा वो है कि कोई ऐसी बात किसी के बारे में कर देंगे जिससे पूरी वो लाइमलाइट में आ जाए. आई डोंट बिलीव ऑन दीज थिंग्स. मुझे लगता है कि आपका जो काम है आप उस पर फोकस रहें, और बात होती है कि शोहरत को आप ये ना समझें कि पूरी ज़िंदगी रहेगी. हर बैट्समैन ने आना है अपनी इनिंग्स खेलनी है, किसी दिन उस बैट्समैन ने 0 पे भी आउट हो जाना, फिर एक नया बैट्समैन आएगा, वो एक सेंचुरी करके चला जाएगा. सो नाकामी क्या है फिर? नाकामी मेरे नज़दीक नाकामी ये है कि आप जिस वजह से आप कामयाब हैं उसको भूल जाए, वो नाकामी है. जिस वजह से आपको कामयाबी मिलती है या मिलती आएगी, चाहे वो पेरेंट्स की दुआएं हैं, चाहे आपके गाने हैं, चाहे आपकी फेस वैल्यू है, आप एक दिन उसको कहें कि यार अब इससे आगे तो यू नो अब यही सब चीज़ें हैं, मैं अपने आप को जब आप भूलना शुरू हो जाए, आई थिंक वो नाकामी है. जिस दिन आप ये सोच लें यार कि बस अब तो मैं ही मैं हूँ, आई थिंक वो नाकामी है. एंड यू नो ये मेरी एग्जांपल भी है. एंड मेरे बैंड में कितनी चेंजेस हुई फ्रॉम 2002 टिल नाउ, बट देर इज़ अ सर्टन फैन फॉलोइंग, देर इज़ अ सर्टन यू नो अटैचमेंट टू माई म्यूज़िक, टू दिस फेस वैल्यू, जिसकी वजह से एक्टिंग में कामयाबी मिली, जिसकी वजह से म्यूज़िक और बैंड के कॉन्सर्ट्स उसी तरह चलना शुरू. मैं ये नहीं कहता कि उसी तरह से चल रहे हैं जिस तरह उस टाइम चलते थे, अप्स एंड डाउन्स हर जगह आते हैं, लेकिन आई थिंक वो चीज़ें नए एवेन्यूज चलते रहे, बनते रहे, आई थिंक ये कामयाबी है. मैं दोबारा ये मिसाल देता हूँ कि क्रिकेटर्स हैं, सिंगर्स हैं, उन्होंने सारा 25 साल बैटिंग नहीं करनी है, बॉलिंग नहीं करानी है. You know, they might have to find out new ways to be connected with people. कभी रोया? अकेला बैठ के कभी रो लेता हूँ. किस बात पे रोना आता है? I think कुछ ऐसी चीज़ें जो पुरानी थी और कुछ या कोई गाना जब चल रहा होता है वो उसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती, लेकिन I think you go through that emotional phase. Through which you know you feel like crying and it's good to cry out. There's nothing wrong with that. Cinema mein kabhi roye ho film dekhte hue? Bahut dafa.
Really? But you know, लोग कहते हैं कि जो मर्द रो लेते हैं वो basically बहुत strong होते हैं. मैं किसी के सामने ये कमजोरी नहीं है, ये स्ट्रेंथ की निशानी है. किसी के सामने नहीं कभी रोया. हाँ. लेकिन फिल्म देखते हुए अक्सर आंखों में आंसू आ जाते हैं और अकेले में कभी बैठा हूँ तो. किसी का गाना सुना है ऐसा जो बहुत छुआ दिल को जिसने और आंखों में आंसू आ गए? किसी ने कोई ऐसा गाना गाया उसके लिरिक्स या उसकी मेलोडी? मैं जब जुनेद जमशेद साहब की डेथ हुई थी तो उस पर एक उनका गाना था, मर भी जाऊँ तो मत रोना, उन्होंने बहुत पहले गाया था. उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इसके लिरिक्स इस तरह. वो बहुत चला था उन दिनों. मुझे बड़ा अच्छी लगती. वो I loved his voice. Exactly, and I think एक legend, चलो तो सही वो जो गाना. चलो तो सही, मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी और जुनेद भाई ने मेरा निकाह भी पढ़वाया हुआ है और वो इज़ वेरी क्लोज टू मी. जब भी लाहौर आते थे तो मुझसे वो उस तरह की बातें नहीं करते थे, तबलीग की ऐसी कोई बात नहीं करते थे. गाड़ी में बैठ के हम कहीं जेल रोड पे कावा पीने चले जाते थे, यू नो, और थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनते थे. तो अक्सर छेड़ते थे, कहते मुझे गाना नहीं सुनाएगा ना तो अब हिट नहीं होगा. बड़े मज़े से, बड़ी अच्छी दोस्ती थी. एंड आई थिंक जब एंड इट वाज सो नॉटी. बिल्कुल. एंड उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा था, बड़ा जबरदस्त. तो वो कहते हैं कि बचपन से उनको सुना. एंड ही वाज सो गुड लुकिंग. या देयर इज नो डाउट. मेरे कमरे में उनके पोस्टर्स एंड वो सब चीज़ें लगी होती थी. तो वो जिनको आपने बड़े जब छोटे थे तो बड़े वाइल्ड साइंस को उस टाइम सुनते थे, फिर उनके साथ दोस्ती हो गई और उनकी जब डेथ हुई उसके बाद वो गाने उनके कुछ एक दो ऐसे थे जिनको सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोया था और मुझे लगा कि यू नो इट्स अ बिग लॉस फॉर आवर नेशन एंड लॉस्ट अ फ्रेंड. और क्योंकि उनसे दोनों तरह से अटैचमेंट थी, अगेन म्यूजिक से भी और वैसे भी, तो उस टाइम पे आई वाज. डू यू अंडरस्टैंड डेथ? क्या है मौत? आई थिंक मैंने इस तरह कभी सोचा नहीं है, लेट मी वेरी ऑनेस्ट. के लेकिन मैंने कुछ ऐसे दोस्त या कुछ ऐसे लोगों जिनको एक सडन डेथ जिस तरह होती है, जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट. आई थिंक यू नो वी हैव टू इन्जॉय इट. हमें पूरे तरीके से इसको जीना चाहिए. हम अपने छोटे छोटे मसलों में फंसे रहते हैं. एक दिन पता चलता है कि कोई दोस्त है या कोई इस तरह उसकी एकदम डेथ हो गई. मैं तो बिल्कुल अच्छा था, ऑफिस जा रहा था, हर चीज़ बिल्कुल सही थी. तो उस दिन एहसास होता है कि यार ये इतनी दो दिन की ज़िंदगी है, किसी का ये दिल नहीं दुखाना चाहिए और कोशिश करें कि अपनी लाइफ को पूरे तरीके से जी लें. ये फेज़ फ्रॉम लास्ट 6-7 ईयर्स में मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि जब यू नो दोस्तों का या टीवी पे आपने देखा कि किसी की सडन डेथ हो गई है तो आपको लगा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और कोशिश करना चाहिए कि इस फेम को, शोहरत को थोड़ी देर के लिए साइड पर रख के और ये सोचना चाहिए कि यू नो एवरीबॉडी हैज़. तो ये क्या है ये छोटी सी ज़िंदगी? ये ज़िंदगी आई थिंक मुझे अब लगता है कि अपनी सोल से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. छोटी सी ज़िंदगी में कहते हैं कि वो कहते हैं कि मस्जिद, वो आपको पता हो, मस्जिद तादे मंदिर तादे दिल ना किसे दर तादे, जो कुछ टहद है जो कुछ टहद है दिल ना किसे दर. आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है और आई थिंक अच्छे चीज़ें करके जाएँ तो बेहतर है. हमें अपने कल का नहीं पता. हम बड़ी प्लानिंग कर रहे होते हैं, 4 साल में ये करेंगे, 5 साल में ये करेंगे. फिल्म नहीं बना रहे हो अपने लिए? फिल्म अभी तो किसी फिल्म नहीं में नहीं आए हो. फिल्म का आपको लगता है किसी ने रिपोर्ट दी है? नहीं. फिल्म में दो इंट्यूशन है मेरी. दो तीन फिल्म की ऑफर थी. बट मुझे लगा कि मेरी जो पहली फिल्म है वो अच्छी होनी चाहिए. मैं ये नहीं कह रहा जो लोग वो फिल्म की जो ऑफर थी वो फिल्म अच्छी नहीं थी, लेकिन अगेन इंस्टिंक्ट जिसके ऊपर आप चलते हैं, मुझे लगा कि ये फिल्म्स मुझे नहीं करनी चाहिए और वो अच्छे डिसीजंस थे जो फिल्म्स मैंने छोड़ी. फिल्म बिल्कुल करूँगा, ज़रूर करेंगे, बड़े अच्छे म्यूज़िक के साथ करेंगे. एंड दैट टाइम इज़ नॉट दैट फार. हो सकता है आप ही डायरेक्ट करें. ओह, यू नेवर नो. थैंक यू सो मच.